बोलता राजस्थान के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चुनावी जोर आजमाइश के बीच पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सीकर में भाजपा प्रत्याशी स्वामी सुमेधानंद सरस्वती की नामांकन सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर ताबड़तोड़ हमले किए। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर लिखे गए हम निभाएंगे के स्लोगन का मजाक उड़ाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि क्या निभाएंगे आप, आतंक का साथ और अब होगा न्याय। के जवाब में वसुंधरा राजे ने सवाल किया अब अगर न्याय हो रहा है तब होगा न्याय तो इतने दिन क्या हो रहा था। नामांकन रैली में गांव में जबरदस्त उत्साह देखा गया। जब वसुंधरा राजे ने कर्ज माफी पर बोलना शुरू किया तो युवाओं ने भाजपा के पक्ष में जोर जोर से नारे लगाने शुरू कर दिए। मोदी मोदी के नारों के साथ जय बाबा के नारे भी सुनाई दिखाई दिए। वसुंधरा राजे ने सांसद एवं भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्रनंद को सरल और सीधे व्यक्तित्व का धनी बताते हुए जिताने का आह्वान किया। राजे ने मेडिकल कॉलेज, सैनिक अकेडमी, लंबी दूरी की ट्रेन सहित सांसद की उपलब्धियों का बखान भी किया। इस दौरान पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी, पूर्व मंत्री बंशीधर खंडेला, पूर्व विधायक प्रेम सिंह बाजोर, यूआई के चेयरमैन रहे हरिराम रणवा सहित कई कार्यकर्ता मौजूद। आज लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी से मैंने नामांकन किया और उसके बाद में रामलीला मैदान के अंदर एक सभा का आयोजन हुआ। इस सभा में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी पधारी और मेरे लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता जिस उत्साह के साथ, जिस जोश के साथ इस सभा में आए, उन्होंने मेरा सहयोग किया, मेरा समर्थन किया। मैं सभी कार्यकर्ताओं का हृदय के अंतस्थल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और आशा करूँगा कि जिस जोश और उत्साह के साथ आज इस रैली के अंदर, इस सभा के अंदर आप पधारे हैं, भविष्य में भी क्षेत्र में भी इसी प्रकार से आप कार्य करेंगे और आने वाली 6 मई को मुझे विजयी बनाने का संकल्प लेकर के आप काम करेंगे। मैं पुनः आप सभी भाइयों का बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय भारत।